प्रसार भारती ने किया कार्यक्रम का आयोजन, महिलाओं और बच्चों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कानपुर में पुलिस की पिटाई से मारा गया व्यापारी, सपा पार्टी ने मृतक के परिवार को दी आर्थिक मदद। बुलंदशहर में ठगों ने एटीएम कार्ड बदलकर निकाले 50,000 रुपए, पीड़िता ने थाने में दी तहरीर। अमरोहा में पूर्व सांसद कोर कमेटी की बैठक में शामिल, जन समस्याओं का किया गया निस्तारण। बुलंदशहर में विद्युत विभाग के कर्मचारी ने की आत्महत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। कानपुर देहात सिवली ने पुलिस की पिटाई से मारे गए व्यापारी बलवंत सिंह के परिजनों को पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अखिलेश यादव ने 5,00,000 रुपए की आर्थिक मदद की। बता दें कि सपा जिलाध्यक्ष प्रमोद यादव ने कानपुर नगर के आर्य नगर से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य नीरज सिंह गौर शिवली के लालपुर सरैया गांव पहुंचे। साथ ही विधायक ने पार्टी नेताओं के साथ बलवंत सिंह की मां और पिता को मदद के लिए 5,00,000 का चेक भी सौंपा। पूर्व मुख्यमंत्री ने इसके बाद लालपुर सरैया गाँव पहुंचकर मुलाकात की थी। बलवंत के परिवार से मिलने क्या रहा है और किस लिए गए थे? आज बलवंत सिंह के मृतक की हत्या थाने में हो गई थी और उन्होंने, उनकी पत्नी शालिनी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी से गुहार लगाई थी कि मैं बहन हूँ, मेरी सहायता की जाए। उसके तहत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके गांव सरैया पहुँचे थे और जाकर सरकार से 1 करोड़ की मांग की थी। अलीगढ़ में संस्कार भारती के बैनर तले समाज के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं के साथ साथ छोटे बच्चों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में समाज में फैल रही कुरीतियों से बचने के उपाय दिए गए। महिलाओं ने नाटक के मंच के माध्यम से समाज में होने वाली पारिवारिक कलह को बखूबी दिखाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित छोटे छोटे बच्चों में नृत्य ने माध्यम से सभी के मन को मोह लिया। संस्कार भारती भागीरथी की अध्यक्षा हूँ। ये हमारा हर साल प्रोग्राम होता है, साल में 6 प्रोग्राम होते हैं हमारे संस्कार भारती के, जिसमें परिवार मिलन होता है, हरियाली तीज पे होता है, भारत माता पूजन होता है, गुरु सम्मान होता है, इस तरह से हमारे 6 प्रोग्राम रहते हैं। आज किस तरह के कार्यक्रम रखे गए? दुर्गेश वाचने जी और हमारी उषा वाचने जी, महामंत्री जी, कोषाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष हमारी क्या नम्रता वाचने जी, इन सबके माध्यम से प्रतिवर्ष कार्यक्रम होता है जो भागीरथी संस्था के बैनर तले। बोला शहर के ग्राम बिसुंदरा में तेंदुए ने एक गाय और भैंस को निवाला बना लिया। इससे स्थानीय लोग दहशत में आ गए। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन में जुट गई। फिलहाल टीम को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। ग्रामीणों ने पैरों के निशानों से जंगल में तेंदुआ होने की पुष्टि की है, जबकि वन रेंजर ने बताया कि अभी ठीक से नहीं कहा जा सकता कि तेंदुआ ही है, जंगली बिल्ली भी हो सकती है। जैसे आप बता रहे हैं उस से है, कुत्ता जब भी भागेगा जब वो है, ठीक है ना। आपने गाय पे अटैक दिखाया, वो फोटो मैंने देख लिया, उसमें भी है। लेकिन अब हमने जैसे सर्च किया है, उस सर्च के हिसाब से उस क्षेत्र में भी गए जहाँ गाय पे अटैक किया, वहाँ भी कुछ नहीं मिला हमें। आप कह रहे हैं फिर दोबारा देखते, फिर दोबारा जहाँ जहाँ आपकी शंका का समाधान।
बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद में शातिर ठगों ने एटीएम का कार्ड बदलकर 50,000 रुपए निकाल लिए, जिसका पीड़िता के मोबाइल पर मैसेज आने पर 50,000 निकलने का पता चला। पीड़िता मां बेटी ने बताया कि उन्होंने किसी का कर्जा देने के लिए 50,000 का कर्ज बैंक से लिया था। ठगों ने बड़ी चालाकी से उनके पैसे निकाल लिए। पीड़ित माँ की बेटी ने सिकंदराबाद कोतवाली में घटना की तहरीर दी है। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। क्या नाम बेटा, क्या हुआ आपके साथ? 50,000 रुपए निकाल लिए अकाउंट से। कैसे? एटीएम चेंज करके। कौन से बैंक? तो को एटीएम के अंदर कोई था आपके साथ? तीन लड़के थे जिनको पता नहीं था मैं कौन है। तो अभी हम कोतवाली में आए, तो क्या क्या आश्वासन मिला आपको? साथ में जा रहे हैं, अगर पता चल जाएगा तो ठीक है, वरना भुगतेंगे। वो भी कर्ज का पैसा था सर, ऐसे ही चला गया। किस चीज के लिए लिया था कर्ज? कर्ज देने के लिए लिया था। कल ट्रांसफर हुआ मेरे खाते में। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के अमरोहा नगर कोतवाली पुलिस ने फर्जी दरोगा बनकर लोगों के साथ ठगी करने वाले एक शातिर युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ कार्यवाही करते हुए उसको मुकदमा लिखकर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, जहां से अग्रिम कार्यवाही न्यायालय के द्वारा की जाएगी। द्वारा थाना कोतवाली नगर पर एक अभियोग पंजीकृत कराया गया। उनके द्वारा लिखित तहरीर में आरोपित किया गया कि एक व्यक्ति जो पुलिस की फर्जी वर्दी पहन करके लोगों को ठगता है, तथा उनसे भी उनके लोन कराने के नाम पर 55,000 रुपये व उनके प्रपत्र ले लिए। इसमें सुसंगत धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा कोतवाली नगर ने तत्परता से अलीगढ़ में जज्बा फाउंडेशन द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए जज्बा फाउंडेशन सेंटर फॉर वुमेन ने इंपावरमेंट का मुख्य अतिथि एंड आनंद जी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने फाउंडेशन सचिव डॉक्टर स्वालेहीन अख्तर के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यही बच्चे हमारा व देश का उज्जवल भविष्य है। तो वहीं फाउंडेशन सचिव डॉक्टर ने बताया कि जज्बा फाउंडेशन के द्वारा अलीगढ़ में महिला सशक्तिकरण के लिए जज्बा सेंटर फॉर वुमेन इंपावरमेंट का पहला सेंटर खोला गया है, जहाँ लड़कियों को सिलाई कढ़ाई के साथ साथ प्राइमरी स्तर पर निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही अलीगढ़ में इस तरह के 10 सेंटर खोले जाएंगे। विवाह समारोह करती है, इसमें हम 15 तारीख को इनका परिचय सम्मेलन के लिए इसी रामलीला मैदान में परिचय सम्मेलन होगा, जिसमें अलीगढ़ खैर खुर्जा तो सब जगह सर्व जातीय सामूहिक विवाह परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अलीगढ़ जिले के सभी कस्बे में, अलीगढ़ और अलीगढ़ के आसपास के जितने जिले हैं, सभी से लड़की और लड़कियों के फार्म। अलीगढ़ में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। शीतलहर के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बढ़ती ठंड के चलते मजदूर व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बढ़ती ठंड में अलाव जलाकर आग के सहारे बैठकर ठंड को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। घने कोहरे के कारण वाहनों की लाइट जलाकर वाहन चलाते राहगीर दिखे, साथ ही नेशनल हाईवे पर घना कोहरा छाया रहा। तरीके से पड़ रही है, जनजीवन सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। दुकान खोल के बैठे हुए हैं, दुकानदारी है नहीं है, अलाव जला के और ताप रहे हैं इधर उधर से इंतजाम करके। तो आग के सारे ठंड को दूर भगाने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है, क्यों? आग जलाकर बैठे हुए हैं, ठंड लग रही है फिर भी? हाँ ठंड लग रही है फिर भी। खबर बुलंदशहर से, जहां विद्युत विभाग के कर्मचारी ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जो अनूप शहर के टाउन बिजली घर पर कैशियर के पद पर तैनात था, परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं पुलिस ने शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
फिरोजाबाद में बुआ और भतीजे के बीच अवैध संबंधों के चलते भट्टे के पास 1 जनवरी को युवक की ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी गई, जिसका पुलिस ने खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना को लेकर SP ग्रामीण कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि ये हत्या 1 जनवरी थाना शिकोहाबाद के अंतर्गत मलखानपुर के पास पवन भट्टे के पास की गई थी और आगे की जाँच में पुलिस जुट गई है। इसके तहत से जो सिकोहाबाद अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और वहां पर विधिक कार्रवाई की गई। जो डेड बॉडी थी उसकी पहचान के लिए प्रयास किए गए और वह जो मृतक था वहां पे उसके बारे में पता चला, ये नईम नाम है इसका और ये वहीं पे रहता था अपने परिवार के साथ, मजदूरी का काम करता था। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।